सो हेलो एंड वेलकम, दिस इज तेजसराज सक्सेना एंड यू आर वाचिंग द रिव्यू शो। तो आज जिस कार के बारे में हम बात करने वाले हैं वो रहने वाली है मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली कार। वेल, ये रहने वाली है द सेकेंड जनरेशन ऑफ द मारुति सुजुकी SX4 एस क्रॉस। अब ये रहने वाला है एस क्रॉस का सेकेंड जनरेशन मॉडल, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स चेंजेस एंड डिज़ाइन चेंजेस देखने को डेफिनेटली मिलने वाले हैं एंड काफ़ी मॉडर्न एयर इसके साथ आप देखते हैं, तो यहाँ पे आपको इसके फीचर्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। वेल, एस क्रॉस के बारे में अगर बात की जाए तो यूरोपियन मार्केट में ये अनवील हो चुकी है एंड इसके डिज़ाइन एंड पिक्चर्स इंटीरियर एक्सटीरियर के आप स्क्रीन्स पर अपने देख ही सकते हैं, वो अब आपको टोटली अनवील यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या इसमें डिज़ाइन चेंजेस एंड क्या क्या मॉडर्न एयर इसमें एडवांस अपडेट आपको देखने को मिलता है, वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर श्योर। तो चलिए, लेट्स जंप इनटू द वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर अडू। वेल, एस क्रॉस के बारे में अगर बात की जाए तो एस क्रॉस इंडियन मार्केट में लगभग इस टाइम के दौरान यहां पे आपको देखने को मिलती थी एंड नेक्सा के थ्रू, नेक्सा प्लेटफॉर्म एक मारुति सुजुकी ने नया प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए चालू किया था इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। नेक्सा वाज द प्लेटफॉर्म जिनकी ये पहली कार थी एस क्रॉस, कुछ इस टाइप की उस टाइम पे ये देखने को मिलती थी। हालांकि ज़्यादा डिज़ाइन में ये अच्छी नहीं देखने को मिलती थी, काफ़ी अगली से इसका फ्रंट लुक डिज़ाइन देखने को मिलता था एंड टॉकिंग अबाउट द इंडियंस, तो काफ़ी ज़्यादा पसंद ये नहीं किया गया था। लेकिन उस टाइम पर ये काफ़ी अच्छे इंजन ऑप्शन के साथ देखने को मिलती थी। 1.6 लीटर का इसमें आपको डीजल इंजन देखने को मिल जाया करता था, जो कि काफी पावरफुल एंड टॉकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता था। वेल, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत प्राइजी सेगमेंट में ये आती थी एंड काफ़ी अच्छे फीचर्स ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कंफर्ट एंड मारुति स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छी रिलायबिलिटी एंड काफ़ी अच्छी राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी के साथ ये आपको देखने को मिलती थी। फिर कुछ टाइम बाद आप देखते हैं तो इसका आपको फेसलिफ्टेड देखने को मिला था। फेसलिफ्ट के बारे में अगर बात की जाए तो फेसलिफ्ट काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था, काफ़ी अच्छे न्यू लुक्स के साथ ये आपको देखने को मिलती थी एंड काफ़ी अट्रैक्टिव ओवरऑल। उसके बाद जो मारुति की पहली गलतियां थी विद द फर्स्ट लुक ऑफ द एस क्रॉस, वो अब यहाँ पे फेसलिफ्ट के दौरान यहाँ पे डेफिनेटली चेंज कर दी गई थी एंड काफी अब ये अच्छी देखने को, इन माय ओपिनियन ये अच्छी देखने को मिलती थी। सॉफ्टेस्ट मटेरियल्स इसमें आपको देखने को मिलते थे, लेदर एट सीट्स आपको इसमें प्रोवाइड की जाती थी, अभी भी देखने को मिलती हैं एंड काफी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड यो ओवरऑल देखा जाए तो ये की गई थी। कमिंग बैक टू द सेकेंड जनरेशन मॉडल, चलिए तो इस टाइप का पहले तो आप देखते हैं तो इस टाइप का आपको यहाँ पे डिजाइन इसका देखने को मिल जाता है। डिजाइन एस्पेक्ट के प्रस्पेक्टिव के बारे में बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशन लगभग पुरानी जनरेशन से ही आपको सिमिलर देखने को मिलते हैं एंड यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं पहले के कंपैरिजन में इट डेफिनेटली लुक्स मच मोर प्रीमियम एंड मच मोर स्पोर्टी देन बिफोर फॉर श्योर। पहले की अगर बात की जाए तो थोड़ा क्रॉस ओवरिश डिजाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलता था, प्रॉपर एसयूवी जो आप बोलते हैं कि कॉम्पैक्ट एसयूवी उस टाइप का लुक वो नहीं देती थी, राइट। एंड टॉकिंग अबाउट द डायमेंशन, तो इसमें आपको लेंथ देखने को मिलती है 4300 mm, विड्थ आपको देखने को मिलेगी 1785 mm, हाइट आपको देखने को मिलेगी 1585 mm एंड साथ ही साथ इसमें आपको व्हील बेस प्रोवाइड किया जाएगा 2600 mm का। एंड मारुति सुजुकी की अगर स्पेशली बात की जाए तो ग्रोथ काफी अच्छी रही है मारुति सुजुकी की तरफ से एंड अब देखने में लगता है कि मारुति सुजुकी इज लिसनिंग टू द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक। वेल, जैसा कि आप देख रहे हैं अपकमिंग जो मारुति की कार्स हैं, भले ही वो बलेनो हो या न्यू जनरेशन विटारा ब्रेज़ा हो या एस क्रॉस हो, काफी न्यू एंड मॉडर्न है फीचर्स अब मारुति देना स्टार्ट कर दिया है। अगर विटारा ब्रेज़ा सेकंड जनरेशन का वीडियो आपको देखना है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगी एंड आप यहाँ पे ऊपर आई बटन में भी क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। एस क्रॉस के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी सेम आपको लेदर एट सीट्स देखने को मिलने वाली है, सॉफ्टेस्ट मटेरियल आपको डैशबोर्ड में देखने को मिलेगा। कमिंग स्ट्रेट टू द एक्सटीरियर, तो बिग माचो एंड काफी अट्रैक्टिव लुकिंग आपको यहाँ पे ग्रिल देखने को मिलता है, सेंटर में सुजुकी का लोगो आपको देखने को मिलेगा एंड कनेक्टेड क्रोम आपको यहाँ पे हेडलाइट्स के थ्रू यहाँ पे जैसा कि आप देखते हैं वो आपको देखने को मिल जाती है। well, ग्रिल जैसा कि मैंने बताया आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिलने वाली है। टॉकिंग अबाउट द हेडलैम्प्स, तो इसमें आपको कम्प्लीटली न्यू हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलने वाले हैं विद 3 LED पोजिशन हेडलैम्प्स डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। नीचे की तरफ आप देखते हैं तो काफी स्पोर्टी स्टांस का आपको यहाँ पे बंपर देखने को
मिल जाता है एंड नीचे की तरफ आप देखते हैं यहाँ पे तो आपको इंडिकेटर्स एंड फॉग लैंप्स का हाउसिंग यहाँ पे देखने को डेफिनेटली मिल जाती है। साइड्स में जैसे कि आप देखते हैं तो काफी बिग एंड माचो मस्कुलर डिजाइन का आपको यहाँ पे व्हील क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। प्लास्टिक क्लैडिंग 360 डिग्री आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगी एंड काफी अच्छा ओवरऑल स्पोर्टी स्टांस के साथ ही आपको देखने को मिलती है। डायमंड कट आपको अलॉय व्हील्स यहाँ पे डेफिनेटली प्रोवाइड किए जाएंगे या फिर शायद ऑल ब्लैक आपको देखने को मिल सकते हैं एंड टायर साइज आपको लगभग इस साइज का यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। पीछे की तरफ आप देखते हैं तो ऑल न्यू हाउसिंग फॉर द टेल लाइट्स आपको देखने को मिलती है। फुल LED सेटअप का आपको यहाँ पे टेल लाइट का सेटअप देखने को डेफिनेटली मिलेगा। इंडिकेटर्स एंड रिवर्स पार्किंग हो सकता है हैलोजन प्रोवाइड किया जाए। ऊपर की तरफ आप देखते हैं तो आपको स्पॉइलर प्रोवाइड किया जाता है। साइड हॉन्चेस आप देखते हैं तो डिजाइन एस्पेक्ट आपको यहाँ पे विंडो के साइड्स में आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। टॉकिंग अबाउट द फीचर्स तो ABS, EBD, डुअल एयरबैग्स, स्टैंडर्ड ये सब आपको फीचर्स तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें आपको 4x4 का ऑप्शन भी देखने को मिले। वेल, इंडिया में थोड़ा सा मुश्किल है कि 4x4 का ऑप्शन यहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाए बिकॉज यहाँ पे डिमांड आई डोंट थिंक सो कि एस क्रॉस की पर्टिकुलरली मारुति सुजुकी की 4x4 एट दैट पर्टिकुलर सेगमेंट अगर ऑब्वियसली 4x4 होता है तो प्राइसिंग ऊपर जाएगी तो उतने सेगमेंट में आई डोंट थिंक सो कि इंडिया इज द मेन मार्केट जहाँ पे 4x4 की उतनी ज़्यादा बिक्री होगी। तो यहाँ पे हो सकता है 2x4 ही आपको प्रोवाइड किया जाए। एंड और अगर बात की जाए तो इसमें ADAS के फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। यूरोपियन मॉडल के अगर बारे में बात की जाए तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे ADAS के फीचर्स डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर इंडिया में ADAS के फीचर्स S-Cross मारुति सुजुकी की तरफ से आता है देन इट इज़ गोना बी द वेरी ब्रिलियंट थिंग एंड अ वेरी बिग गेम चेंजर फॉर मारुति इन द इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जैसा कि आप यहाँ देखते ही हैं सेगमेंट की लगभग सारी ही गाड़ियाँ धीरे धीरे वेदर रिपब्लिक क्रेटा और एस्टर MG की तरफ से जो अभी न्यू लॉन्चिंग आई है उसमें भी ADAS के फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में धीरे धीरे जैसा कि मैंने बताया ADAS के फीचर्स आ ही रहे हैं तो अगर S-Cross ये ऑफर करती है तो बहुत अच्छी ये बात डेफिनेटली रहने वाली है। हालांकि उम्मीद थोड़ी कम है कि इंडिया में ADAS के फीचर्स देखने को मिले बट वही वाली बात है कि आपको प्राइसिंग भी उतनी आपको मैनेज करनी है इन टर्म्स ऑफ मारुति स्टैंडर्ड्स। मारुति की हायर सेगमेंट की कार्स लोग बाग थोड़ा सा लेना कम प्रेफर करते हैं तो अट्रैक्टिव प्राइसिंग डेफिनेटली मारुति सुजुकी को इंडियन मार्केट में रखनी पड़ेगी फॉर द S-Cross। तो हो सकता है कुछ फीचर्स का डिडक्शन यहाँ पे देखने को आपको मिले। टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर्स तो इसमें आपको कंप्लीटली ऑल ब्लैक इंटीरियर्स देखने को मिलने वाले हैं जैसे कि आपको पहले भी देखने को मिलते थे। स्पोर्टी अपील के साथ डेफिनेटली ये देखने को मिलेंगे। थोड़े बहुत चेंजेस डेफिनेटली इसमें आपको देखने को मिलने वाले हैं लाइक द इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको कंप्लीटली न्यू डिजाइन का देखने को मिलेगा। हालांकि ऑल डिजिटल तो ये नहीं रहने वाला है पार्ट एनालॉग एंड पार्ट डिजिटल ये देखने को मिलेगा। सेंटर में MID स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगी एंड आपको वहाँ की डायल्स स्पीडोमीटर एंड RPM के आपको एनालॉग देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। टॉकिंग अबाउट द इंफोटेनमेंट सिस्टम तो इसमें आपको 9 inches का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद फ्लोटिंग डिस्प्ले देखने को मिलेगा विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले एंड काफी और भी निफ्टी फीचर्स एंड ADAS के भी फीचर्स अगर आता है इंडिया में तो वो भी आपको डेफिनेटली उसमें देखने को मिल जाएगा। AC वेंट्स के बारे में बात की जाए तो ऑटोमेटिक AC आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जो डायल्स हैं वो प्रीवियस जनरेशन के थ्रू ही जैसे ही एग्जैक्ट सेम आपको देखने को मिलेंगे। कंप्लीटली न्यू हाउसिंग फॉर द AC वेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। लगभग थोड़ा इससे इस कार से सिमिलर आपको ये देखने को मिलते हैं इन माई ओपिनियन BMW इंस्पायर्ड थोड़े बहुत ये देखने में लगते हैं। एंड और अगर बात की जाए तो डेफिनेटली सॉफ्ट टच मटेरियल्स तो देखने को मिलने ही वाले हैं। स्टेयरिंग व्हील के बारे में बात की जाए तो लगभग मारुति की सारी ही कार्स में जैसा व्हील आता है पुराना वैसा ही सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बाकी ऑडियो रिलेटेड कंट्रोल्स एंड MID रिलेटेड कंट्रोल्स क्रूज कंट्रोल्स वगैरह ये सब तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इंजन के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको 1.4 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलने वाला है विद स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी SHVS जो मारुति सुजुकी की तरफ से आता है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। पावर एंड टॉर्क आउटपुट्स के बारे में बात की जाए तो 127 BHP की मैक्सिमम पावर विथ 235 न्यूटन मीटर्स का मैक्सिमम टॉर्क इसके साथ आपको देखने को मिलने वाला है। विथ 6-speed मैनुअल एंड 6-speed ऑटोमेटिक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें आपको देखने को मिले। एंड और अगर फीचर्स के बारे में बात की जाए तो उसमें आपको 4x4 का ऑप्शन डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। यूरोपियन मार्केट में तो ये मिलेगा बट इंडियन मार्केट में जैसा कि मैंने बताया थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि वो आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिले।
ड्राइव मोड सिलेक्टर 4x4 के साथ आपको देखने को मिलेगा। मोड्स जो ड्राइविंग मोड्स होते हैं उसका जो नॉब होता है वो आपको सेंटर कंसोल में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा, एंड उसके साथ आपको टेरेन रिस्पांस के मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे। एंड टॉकिंग अबाउट द बूट स्पेस, तो इसमें आपको 430 लीटर्स का बूट स्पेस डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। एंड साथ ही के साथ इसमें आप सनरूफ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टॉप मॉडल्स में आपको सनरूफ भी प्रोवाइड किया जाए। टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग, तो पुराने एस्क्रॉस आपको 8 लाख से लेके 12 लाख तक की देखने को मिल जाती थी। कंपटीशन के बारे में अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली इट वाज द मोस्ट चीपेस्ट ऑफ द ऑल। डेफिनेटली अगर प्राइस इंक्रीज होता भी है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि न्यू जनरेशन मॉडल में थोड़े बहुत प्राइसिंग डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे इंक्रीज में, बिकॉज फीचर्स बढ़ा दिए गए हैं एंड काफ़ी अच्छे लुक्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। टॉकिंग अबाउट दैट, तो प्राइजिंग तो बढ़ेगा बट आफ्टर द इंक्रीज ऑफ द प्राइजिंग ऑल्सो कॉम्पिटिशन में ये तो भी अफोर्डेबल प्राइजेस के साथ आपको देखने को डेफिनेटली मिल जाएगी। सो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छी ये डील रहने वाली है फ्रॉम द मारुति सुजुकी, वन ऑफ द सेफेस्ट एंड वन ऑफ द प्रीमियम मोस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर एस्क्रॉस मारुति सुजुकी की तरफ से आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स के बारे में अगर बात की जाए तो वो आपको देखने को मिल जाती है। निक्सा के थ्रू ये आपको देखने को मिलती है। सो इन माय ओपिनियन ये अगले साल तक लॉन्च हो जाएगी, इट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर श्योर। एंड मारुति सुजुकी है तो आफ्टर सेल सर्विस एंड रीसेल की तो कोई बात ही नहीं है, वो आपको डेफिनेटली अच्छा देखने को मिलता ही मिलता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एस्क्रॉस फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एज वेल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी इंस्टाग्राम की। सो इफ यू लाइक माय वीडियो सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच क्रेजी अपडेट्स। तो चलिए, इट्स बाय फॉर नाउ एंड होप टू सी यू सून, मी साइनिंग ऑफ।